गाइस आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग ये एक मोशन ट्रैकिंग इफेक्ट सीखने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ आफ्टर इफेक्ट में और मेरे पास एक ये वीडियो क्लिप है कार की, जो कि 20 सेकंड की थी। मैंने इसको कट करके 10 सेकंड में रखा हुआ है स्प्लिट करके। तो हम लोग इस कार को यहाँ पे ट्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ट्रैक का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ पे ट्रैकर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रैकर शो होने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है ट्रैक मोशन पे, क्योंकि हम लोग जो इसका मोशन है उसको ट्रैक करने वाले हैं। तो मेरी लेयर सेलेक्ट है, मैं यहाँ पे ट्रैक मोशन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी कंपोजिशन थी मेन की, मैं उसके अंदर लेयर मोड में आ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, आपको बाहर नहीं जाना है, जहाँ पे आप आए हैं यहीं पे रहना है। और यहाँ पे आपको एक ये आइकन दिखेगा ट्रैक पॉइंट वन। ठीक है, आपको इसको उठा करके सिंपली जूम करके यहाँ से इसको ऐसे उठा करके अपनी कार के ऊपर रख देना है, या आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आपको उसके ऊपर रख देना है, आपको जिसको भी ट्रैक कराना है। अब आपका यहाँ पे दो बॉक्स दिखते हैं। जो अंदर वाला बॉक्स है वो मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कराना है, और ये जो बाहर वाला बॉक्स है ये मेरा उस पार्ट को, मतलब कि कितनी दूर तक मोशन को कैप्चर करना है, ये उस चीज़ को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और आपको भी ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ज़्यादा बड़ा रखोगे तो आपकी फाइल उतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक प्ले का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है एनालाइज फॉरवर्ड पे। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा पॉइंट था वो उस कार के साथ साथ यहाँ पे चलता रहेगा, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रैक करने में, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा ट्रैकर था वो यहाँ पे ट्रैक हो चुका है, जो मेरा मोशन था उसको उसने ट्रैक कर लिया है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में न्यू, और यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट वाली लेयर बना लेंगे। नल ऑब्जेक्ट की लेयर बनाने के बाद में मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ ट्रैकर। ठीक है, ये करने के बाद में अब मैंने नल ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, जो मेरा मोशन इनने ट्रैक किया है मैं उसको यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट में लेकर के आना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को या फिर इमेज को नल ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक करा दूँ तो वो उसके साथ में ही मूव हो। ठीक है, अब सिंपली मैंने यहाँ पे क्या जाना है, एडिट टारगेट में, और एडिट टारगेट में जाने के बाद में इसको मैं कर दूंगा ट्रैकर, मतलब जो मेरा नल ऑब्जेक्ट है मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और हिट कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे अप्लाई पे और यहाँ पे ओके। ठीक है, तो अब जो मेरा नल ऑब्जेक्ट था वो इस मूवमेंट में जो मेरा ट्रैक हुआ मोशन उससे लिंक हो चुका है, और यहाँ पे आप नल ऑब्जेक्ट का बॉक्स देखेंगे तो ये इस कार के साथ साथ जो मेरा ट्रैक हुआ उसके साथ साथ ऐसे मूव होता रहेगा। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे नई लेयर ले लूँगा मैं एक टेक्स्ट की, और मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ कार, और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको उठा करके मैं इस कार के ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे जो मेरी कार है वो आगे चली जाएगी, लेकिन जो लिखा हुआ है वो पीछे ही रह जाएगा, वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट वाली लेयर को यहाँ पे इसके साथ पेरेंट कर दूंगा ट्रैकर, जो मेरा नल ऑब्जेक्ट था, तो ये इस नल ऑब्जेक्ट के साथ ही मूव होने लगेगी। तो पेरेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक करने के लिए ये जो स्पायरल वाला ऑप्शन है इसको उठा करके यहाँ पे ट्रैकर पे डाल देंगे। अब मेरी ये जो टेक्स्ट लेयर है ये इसके साथ में लिंक हो चुकी है, और प्ले करके हम देखेंगे तो जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो उस कार के साथ साथ मूव होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया कार जो मैंने लिखा था, और मैंने यहाँ पे एक ये कॉल आउट बना करके रखा है। आप ऐसा कॉल आउट डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। अगर मैं ये जो कॉम्पोजिशन है कॉल आउट की इसके अंदर जा करके दिखाऊं तो एक बहुत ही सिंपल सा मैंने एक ऐसा एनिमेशन बना करके रखा हुआ है जिसमें आएगा। ठीक है, अब मैं अपनी मेन लेयर पे आता हूँ और इस कॉल आउट वाली जो मेरी कंपोजिशन थी इसको यहाँ पे ट्रैकर से लिंक करा देता हूँ। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट को कराया था, टेक्स्ट को ना करा करके इस कंपोजिशन को लिंक करा दिया, और इस कॉल आउट को मैं उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये इस कार के साथ साथ यहाँ पे मूव होगा, ये ऐसा एनिमेशन भी होगा और कार के साथ साथ मूव होता रहेगा। मैं इसमें यहाँ पे इसको हाफ कर देता हूँ और फिर आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि काफ़ी सही से यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। अब मेरे को अगर इसका साइज
छोटा या बड़ा करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपली इसको कंपोजिशन को सिलेक्ट करूँगा, एस प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा। ठीक है, फर्स्ट में आऊँगा और इसको उठा करके फिर से यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करके दिखाता हूँ, फुल कर लेता हूँ एक बार फिर से। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं छोटा हो गया और इसके साथ में ऐसे मूव हो रहा है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को ट्रैक करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकर का, ट्रैकर में जाकर के ट्रैक मोशन करना है, जब वो आ जाए तो नल ऑब्जेक्ट के साथ में उसको लिंक कर देना है, फिर जिस भी चीज़ को आपको ट्रैक करवाना है उसको नल ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक कर देना है। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।